आगरा कॉलेज आगरा में जंतु विज्ञान विभाग आरा कॉलेज द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गंगाधर शास्त्री भवन में होगा, जिसकी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोस्टर विमोचन करके दी और बताया कि इसमें कई वैज्ञानिक विदेशों से भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि आगरा कॉलेज आगरा में गंगाधर शास्त्री भवन में विकास एवं पर्यावरण संरक्षण समिति प्रयागराज महाराजा अग्रसेन हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय पोखरा उत्तराखंड एवं जंतु विज्ञान विभाग द्वारा आगरा कॉलेज में 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन होना है। आगरा कॉलेज जंतु विभाग की अध्यक्ष ने बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 31 जनवरी से 23 जनवरी तक गंगाधर शास्त्री भवन में की जाएगी और इस संगोष्ठी में देश विदेश से विभिन्न वर्गों में कार्यरत संस्थाएं भी अपना सहयोग दे रही हैं। इस संगोष्ठी का विषय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए किसी और संबंध विज्ञान में वैश्विक दृष्टिकोण है। इससे गोष्ठी में दिशा विदेश के विभिन्न प्रांतों से वैज्ञानिक प्रोफेसर शोध छात्र अपने शोध पात्रों को प्रस्तुत करेंगे। इस संगोष्ठी में 500 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य आयोजक सचिव प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला मौजूद रहे। आज का ये हमारा मीडिया बंधुओं के साथ सम्मेलन 21, 22 और 23 जनवरी को हमारे महाविद्यालय प्रांगण में होने वाले जंतु विज्ञान विभाग के तत्वावधान में एक विद्वत गोष्ठी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की है उसके निमित्त आयोजित किया गया है। हम लोगों ने उसका पोस्टर विमोचन किया है और हमारा यह कार्यक्रम देश और विदेश से आमंत्रित व्याख्यानों को सबके सम्मुख रखने वाला है और उसको पुस्तिकाकार रूप दे करके बाद में हमारे देश के हित में इसको प्रकाशित भी किया जाएगा। ये एग्रीकल्चर थीम पे है और इसमें एग्रीकल्चर थीम पे है और इसमें जो विभिन्न पूरे भारत से और विदेशों से भी एब्स्ट्रैक्ट्स और पेपर इनवाइटेड हैं और इसमें जो निष्कर्ष निकलेंगे वो निश्चित रूप से बहुत ही यूज़फुल होंगे आगे के लिए, हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो बहुत सी चीज़ें हैं, नई चीज़ें निकल के आएंगी। एक प्रकार से वैचारिक मंथन है ये और उसका जो फलस्वरूप है हमें जो मिलेगा वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मिलने वाला है। सकें एवं खाद्य को सुरक्षित कर सकें, जैसे कि कोविड महामारी वैश्विक महामारी को हम दृष्टिकोण रखते हुए देखते हैं तो खाद्य सुरक्षा एक बहुत ही अहम भूमिका है कि इसको बहुत ज़रूरी है, जिससे कि और इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही लाभदायक हो सकती है कि विभिन्न देशों एवं विदेशों से हमारे पास जो आएंगे तो उसमें किस प्रकार की संभावना है। विदेशों से हमारे पास मलेशिया एवं चीन के प्रधान वैज्ञानिक एवं उज्बेकिस्तान की प्रमुख वैज्ञानिक जो कि उपस्थित होंगी।